गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर 7 चला हुआ इंटीग्रल्स वाला एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको कर रहे थे, तो फिर देखो क्यूब का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो स्क्वेयर होता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे लेट कर लेते हैं। लेट 2 प्लस में 3x क्यूब को क्या लेंगे y ले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 3 जा 9 एक्स स्क्वेयर, इधर से क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू dy और दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 9 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो क्या बन गया, फिर एक्स स्क्वेयर डी एक्स के प्लेस पर तो डी वाई बाई 9 हो जाएगा और ये वाई वाई क्यूब हो जाएगा, तो वाई क्यूब इंटू वो क्या हो जाएगा डी वाई बाई 9 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/9 बाहर लेंगे 1/y³ dy। इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे y की पावर -3 कर लेंगे इंटू dy इज इक्वल टू 1/9, क्या करेंगे पावर में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा y की पावर -2 और फिर -2 से डिवाइड करेंगे, ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये बन गया 1/-18 और देखो वाई स्क्वेयर नीचे लेके आएंगे 1/y² हो जाएगा प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये हो गया आपके पास -1/18 y² प्लस में सी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे -1/18 y, y के प्लेस पे क्या था ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 + 3x³ 2 + 3x³, ये y के प्लेस पे इसका स्क्वायर साथ रहेगा और प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में देखो log x का डेरिवेटिव 1/x है, तो इसके साथ है log x को लेट कर लेते हैं। लेट log x इज इक्वल टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 1/x dx dy, तो इंटीग्रेशन बन जाएगा फिर इसके प्लेस पे तो dy हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास 1/y^m इंटू dy इज इक्वल टू y की पावर -m ले लेंगे इंटू डी वाई, तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे क्या बनेगा और फिर उस पावर से डिवाइड कर देंगे प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसको लिखेंगे प्लस y प्लस क्वांटिटी पहले लिखेंगे m माइनस बाद में कर देंगे, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं ये प्लस में सी, तो सॉरी y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रहेगी, y के प्लेस पे क्या रखा log x है, तो ये बन जाएगा log x रिच पावर 1 - m होल डिवाइड में 1 - m प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ये क्वाड्रेटिक उसका डेरिवेटिव लीनियर बनता है, तो इसको लेट कर लेते हैं फिर। लेट 9 - 4x² इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 हो गया, ये बन गया -8x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, यहां से निकाल लेते हैं क्या है x dx चाहिए हमें, सिर्फ x dx इज इक्वल टू dy / -8 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन गया फिर
एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो डी वाई हो जाएगा, डी वाई बाई माइनस एट, यहाँ क्या लेंगे वाई, और वो बन गया डी वाई बाई माइनस एट। अब ये बन गया आपके पास डी वाई बाई माइनस एट वाई, एट को बाहर ले लेते हैं, माइनस वन बाय एट इंटीग्रेशन वन बाय वाई डी वाई, तो वन बाय वाई को क्या लिखेंगे लॉग वाई और प्लस में सी, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस वन बाय एट लॉग, ये क्या था वाई की वैल्यू नाइन माइनस में फोर एक्स स्क्वेयर, नाइन माइनस में फोर एक्स स्क्वेयर प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पावर को लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बनेगा 2, 3 का 0 हो गया, तो उधर से डी एक्स डी वाई, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 2 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन गया e की पावर y हो गया और डी एक्स के प्लेस पे डी वाई बाई 2 हो जाएगा, 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे e की y डी वाई, और e की y का इंटीग्रल e की y ही होता है, तो ये e की y और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो 1 बाई 2 e y के प्लेस पे 2x प्लस में 3 रख लेंगे और प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, देखो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव एक्स में बनेगा, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बना आपके पास 2x dx dy, दिस इम्प्लाइज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 2, तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो डी वाई बाई 2 हो जाएगा, तो ये बन गया e रिज पावर y, और वो क्या बना डी वाई बाई 2, तो 1 बाई 2 को तो बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन वन e की पावर y है उसको न्यूमरेटर में ले आते हैं, माइनस y हो जाएगा ये डी वाई, तो 1 बाई 2 पहले तो एज इट इज होता है ई की माइनस वाई का, और इसका जो पावर है उसका डेरिवेटिव क्या है माइनस वन, उससे डिवाइड कर लेंगे और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी, तो ये बन गया देखो ई की पावर माइनस वाई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ई की पावर माइनस वाई डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो माइनस टू प्लस हो जाएगी ये पावर प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ये बन गया 1 बाय माइनस 2 ई रिज पावर वाई, वाई के प्लेस पे क्या था एक्स स्क्वेयर और प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, इसको हम लोग किसको लेट करेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स को लेट कर लेते हैं, तो लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव होता है इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन गया e की पावर ये तो y बन गया और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स के प्लेस पे डी वाई हो गया, और इसका इंटीग्रल क्या होता है यही होता है आर्बिट्री कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी फिर
तो e की पावर y, y के प्लेस पे क्या था, टेंजेंट इनवर्स x था प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, अगर हम लोग इसको लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव जो है 2e की पावर 2x बनेगा, तो ये माइनस वन समस्या करेगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय इज पावर एक्स, इससे डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। देखो क्या बनेगा फिर, ये इसको e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, e रिज पावर x बनेगा। ये क्या आएगा, 1 बाय e की पावर x, तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये भी e की x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब लेट कर लेते हैं, देखो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, तो लेट करिए हम, लेट e की पावर x प्लस में e रिज पावर माइनस x इज इक्वल टू y ले लेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई की पावर एक्स का एज इट इज, ये भी एज इट इज, पर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव माइनस वन है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माना ये आ जाएगा, और उधर से डी एक्स आ गया और ये डी वाई। तो देखो इसका डेरिवेटिव ये बन गया, इसके साथ ये भी है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन, ये तो क्या किया है वाई, तो इसके प्लेस पे क्या आ गया, डी वाई आ गया, और 1 बाय वाई को क्या लिखेंगे, लॉग वाई प्लस में सी। वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, लॉग इसके प्लेस पे क्या, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस में सी, और ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए मॉडुलस हटाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, ये तो सिमिलर उसी की तरह है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो देखो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा, तो लेट कर लेते, लेट e की पावर 2x प्लस में e रिज पावर माइनस 2x y ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका क्या बना, एज इट इज, और पावर का 2 आ जाएगा, तो 2e की पावर 2x। सिमिलरली इसका भी क्या बनेगा, 2 माइनस 2 आएगा, तो e की पावर माइनस 2x एज इट इज, इधर से क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो 2 को उधर ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसके प्लेस पे डी वाई बाई 2 हो गया, ये हमने वाई लेट किया था, तो इंटीग्रेशन आपके पास पड़ा 1 अपॉन, वो वाई बन गया और वो क्या बन गया, डी वाई बाई 2 बन गया, तो 1 बाई 2 को तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, और ये बन गया 1 बाय वाई इंटू डी वाई, 1 बाय वाई का इंटीग्रल लॉग वाई प्लस में सी, तो 1 बाय 2 वाई के प्लेस पे वैल्यू रखेंगे e की पावर 2x प्लस e रिज पावर माइनस 2x प्लस में सी, और ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए मॉडुलस को हटा लेंगे e की पावर माइनस 2x प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, तो इसमें टेंजेंट स्क्वेयर 2x माइनस, स्क्वेयर का हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, तो इसलिए पहले तो क्या है, इसके थीटा के को लेट कर लो पहले, तो लेट 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू वाई,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बना टू, ये जीरो हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, और दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई टू। तो देखो इंटीग्रेशन क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर वाई, और ये क्या बन गया डी वाई बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू कॉमन ले लेंगे, ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर वाई डी वाई। अब टेंजेंट स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रल नहीं है, तो सीकेंट स्क्वायर का तो है ना, तो सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे इसको। तो देखो कैसे चेंज करेंगे, सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस में वन, आइडेंटिटी लगा ली डी वाई, अलग अलग कर लेते वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर वाई डी वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ वन डी वाई। तो वन बाई टू, तो सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट वाई बन जाएगा और वन का एक्स बन जाएगा, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे वन बाई टू, सॉरी ये वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई आएगा। तो अब क्या करेंगे, वन बाई टू वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये बन गया टेंजेंट वाई, वाई के प्लेस पे क्या है टू एक्स माइनस में थ्री, टू एक्स माइनस थ्री माइनस वाई के प्लेस पे फिर टू एक्स माइनस में थ्री प्लस में थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन बाय टू, ये तो बन गया टेंजेंट टू एक्स माइनस में थ्री, और ये माइनस टू एक्स और प्लस में थ्री हो जाएगा, और प्लस में थ्री टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया वन बाय टू टेंजेंट टू एक्स माइनस में थ्री, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा, और प्लस में सी। अब जो कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक ही लेंगे, इसको मिला के भी तो ये कांस्टेंट है ना, ओवरऑल इसको मिला के हम लोग या तो के लिख सकते हैं या कैपिटल सी बना लो, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो कि वेहर k इज इक्वल टू थ्री बाई टू प्लस में c, कैपिटल c भी लिख सकते हो, ठीक है ना। मना अगर c लिखोगे तो वो इस टाइप से आ जाएगा, टेंजेंट टू एक्स माइनस में थ्री माइनस एक्स प्लस में c, तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो सीकेंट स्क्वेयर का हमारे पास इंटीग्रल है, तो थीटा को लेट कर लेते हैं, लेट सेवन माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या बना, ये जीरो हो गया, इसका क्या आ गया माइनस फोर, उधर से डी एक्स आ जाएगा डी वाई, तो दिस इंप्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस फोर। तो इंटीग्रल बन गया सीकेंट स्क्वेयर वाई हो जाएगा, और उसके प्लेस पे डी वाई बाई माइनस फोर, तो इसको लिख लेंगे माइनस वन बाई फोर इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वेयर वाई डी वाई। तो ये बन गया आपके पास माइनस वन बाई फोर, सीकेंट का क्या बना फिर टेंजेंट बन जाएगा इंटीग्रल टेंजेंट वाई, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस वन बाय फोर टेंजेंट y, y क्या था सेवन माइनस में फोर एक्स प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। साइन इनवर्स, देखो जब भी इनवर्स का फंक्शन आता है तो उसका डेरिवेटिव जरूर मिलेगा, तो देखो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये होता है वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनवर्स को लेट कर लेते हैं, लेट
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, वन बाय रूट वन माइनस एक्स। ये फार्मूले हमने प्रूव भी किए थे, तो ये वही है। तो इंटीग्रेशन क्या बन गया फिर, इंटीग्रेशन यहाँ क्या बन गया, इसको तो वाई लेट किया है, और डी एक्स अपॉन दिस वो क्या बन गया, डी वाई बन गया। तो वाई का इंटीग्रल क्या बनेगा, एक पावर ऐड करेंगे डिवाइड में पावर, प्लस में सी वाई के प्लेस पे रख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स, तो वन बाई टू, तो ये है वाई के साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस में सी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इनवर्स का साइन होता है, पावर नहीं होती है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो डिनोमिनेटर को देखें, पहले डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेते हैं, टू कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा वन बाई टू इंटीग्रेशन टू कोस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स होल डिवाइड में, टू कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, थ्री कोस एक्स प्लस में टू साइन एक्स बनेगा। कोस का माइनस साइन बन जाएगा, साइन का कोस बन जाएगा, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट थ्री कोस एक्स प्लस में टू साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या बन गया, कोस का माइनस साइन होता है डेरिवेटिव, तो माइनस थ्री साइन एक्स, और ये कोस होता है साइन का, तो टू कोस एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। इसको रीअरेंज कर लो, टू कोस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो ये न्यूमरेटर बन गया, तो इसके प्लेस पे तो क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा, और ये हमने सॉरी ये हमने वाई लेट किया हुआ है, तो ये बन गया आपके पास, देखो फिर वन बाई टू इंटीगर, तो उसके प्लेस पे तो डी वाई बन गया, और ये क्या था, वाई था, डी वाई ये बन गया आपके पास, ठीक है, ये वाई लेट किया है, ये डी वाई बन गया। तो वन बाय वाई को क्या लिखेंगे, वन बाय वाई लॉग ऑफ वाई प्लस में सी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वन बाय टू लॉग वाई के प्लेस पे क्या रखना है, थ्री कोस एक्स प्लस टू साइन एक्स, थ्री कोस एक्स प्लस में टू साइन एक्स और प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, अगर इसको चेंज करें तो ये सीकेंट में चेंज हो जाएगा, तो किसको लिखेंगे, वन बाय कोस सीकेंट में होता है, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, डिवाइड में वन माइनस में टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, बिकॉज वन बाय कोस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है, इज इक्वल टू, अब देखो लेट कर लेते हैं इसको, लेट वन माइनस में टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या, ये तो जीरो हो गया, ये बन गया माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई, दिस इंप्लाइज सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी वाई बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन बन गया, सीकेंट स्क्वायर डी एक्स की प्लेस पे तो क्या आ गया, माइनस डी वाई, और इसके प्लेस पे आ गया वाई, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस तो बाहर ले लेंगे, वाई की पावर माइनस टू कर लेंगे इंटू में डी वाई, क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे,
क्या बन जाएगा, माइनस वन, उस पावर को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, क्या बच गया, अच्छा आर्बिट्री कांस्टेंट रह गया, वो यहाँ लिख देते हैं। तो ये y को लिखेंगे वन बाय वाई प्लस में सी, तो y के प्लेस पे क्या आ गया, वन अपॉन वन माइनस में टेंजेंट x, इसको हमने y लेट किया था, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तो रूट एक्स को लेट कर लेते हैं, इसमें लेट रूट एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या बनेगा, वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, दिस इम्प्लाइज वन बाय रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू, उधर मल्टीप्लाई हो जाए टू डी वाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो गया, ये तो हो गया कोस वाई और वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स के प्लेस पे टू डी वाई हो जाएगा, टू को कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन कोस वाई डी वाई, कोस का इंटीग्रल साइन होता है, तो क्या लिखेंगे टू साइन वाई प्लस में सी इज इक्वल टू टू साइन वाई, वाई के प्लेस पे क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का साइन होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको लेट करेंगे तो रूट वाली समस्या खड़ी हो जाएगी, और वैसे भी देखो अगर इसको लेट करेंगे तो बिना रूट के साइन आएगा डेरिवेटिव माइनस साइन टू एक्स टू, तो इसलिए क्या करेंगे रूट वाले को लेट करेंगे, तो लेट साइन टू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा साइन का तो क्या बन गया कोस टू एक्स और टू एक्स का टू बन गया, इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, कोस टू एक्स डी एक्स डी वाई बाय टू, तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रेशन, यहाँ तो क्या आ गया रूट वाई हो गया ये, और इनके प्लेस पे क्या बन गया डी वाई बाय टू बन जाएगा, तो वन बाय टू को तो बाहर ले लेते हैं, रूट वाई डी वाई, रूट का मतलब पावर कितनी हाफ, तो इसकी हाफ पावर कर लेते हैं इंटू डी वाई, पावर में एक ऐड करेंगे तो पावर कितनी बन गई थ्री बाय टू, फिर उस पावर से डिवाइड कर देंगे थ्री बाय टू से, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, तो वन बाय टू चेंज हो जाएगा टू बाय थ्री, वाई की पावर थ्री बाय टू प्लस में सी, टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा वन बाय थ्री वाई, वाई के प्लेस पे क्या था साइन टू एक्स, साइन टू एक्स हमने वाई लेट किया था, तो यहाँ हो जाएगा साइन टू एक्स और इसकी पावर थ्री बाय टू प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 भी वैसे ही है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसको लेट कर लेंगे, लेट वन प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जीरो हो गया, ये क्या बन गया कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, तो इंटीग्रेशन बन गया कोस एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो डी वाई हो गया, और यहाँ क्या बच गया वाई, वाई की पावर को न्यूमरेटर में और माइनस हो जाएगी, रूट का मतलब हाफ ऊपर गई तो माइनस, इंटू में डी वाई, इंटीग्रल करेंगे तो एक ऐड करेंगे पावर, ऐड करने पे ये प्लस वन बाय टू हो जाएगा डिवाइड बाय वन बाय टू,
और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। 1/2 को क्या लिखेंगे, 2/1 वाई की पावर 1/2 प्लस में सी। तो ये क्या हो गया, 2 वाई की पावर हाफ का मतलब क्या, रूट वाई हो जाएगा प्लस में सी। वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या था, 1 प्लस में साइन एक्स, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।